तुम भी लूटो हम भी लूटे, लूटने की आजादी है, उनकी लूट को कोई न जाने जिनके देह पर खादी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज हम आपके लिए खबर लेके आए हैं, बसपा में वे नेता जो बसपा में घुसकर लूटने आए थे, जब उनकी लूट पकड़ी गई, जब उनसे हिसाब किताब मांगा गया तो तरह तरह का आरोप लगाने लग गए और बसपा को अलग काटने की कोशिश करने लग गए। यहां तक खबर ये फैलाई गई कि बसपा दो फार हो रही है, बसपा में ही रहेंगे और जनाधार लेकर जाएंगे। मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उस ऑडियो को हमने कंप्लीट सुना और मैं समझता हूं आज आपको समझाने की हमें जरूरत है। जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने हिसाब मांगा, हिसाब कैसा कि आपको 2000 किताबें दी गई थी, एक किताब में 100 पर्चियां होती है और एक पर्ची का सदस्यता शुल्क 5 रुपये होता है। ये हर राजनीतिक दल में अपना अलग अलग है, कोई 1 रुपये लेता है, कोई 2 रुपये लेता है, कोई 5 रुपये लेता है और कुछ कार्यकर्ता तो लाखों में दे देते हैं पार्टी को डोनेशन। अब रही बात ये कि एक किताब में 100 पर्ची हो गई तो इसका मतलब है कि 500 रुपये की किताब हुई सदस्यता शुल्क के हिसाब से। अगर आपको 1000 पर्ची दी गई है, 1000 किताबें, तो इसका साफ मतलब है कि आप 1 लाख कार्यकर्ता बनाएंगे और 1 लाख के हिसाब से, 5 रुपये के हिसाब से 5 लाख रुपये आपके ऊपर बनता है। अगर 2000 किताबें दी गई तो आपके किताब के हिसाब से 10 लाख रुपये बनता है। ये नेता जो क्रीमी लेयर के हैं, जो बसपा में दलित वोट के लिए आते हैं, वो किताबें तो ले लेते हैं और पैसे भी दे देते हैं परंतु सदस्य नहीं बनाते। जब बहन मायावती हिसाब मांगती है कि कार्यालय में आ जाओ और अपना हिसाब दो, हिसाब का मतलब कितने सदस्य बनाए, क्या 2 लाख सदस्य बने, तो वो 2 लाख सदस्य की बात नहीं करते हैं। 2 लाख तक तो ठीक रहता है, जहां पे सदस्य बोला जाता है उस ऑडियो को वो गायब कर देते हैं और ये कहते हैं कि बहन मायावती पैसे मांगती है और पैसे के बदले टिकट देती है। जबकि मायावती का कहना यह है कि आप मुस्लिम जाति से हो तो हमें 2 लाख मुसलमान सदस्य चाहिए। ये ऑडियो जो मैं बता रहा हूं, ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी और मायावती के बीच का कन्वर्सेशन है। बहन मायावती का जोर है कि हम तो सदस्य की बात कर रहे हैं, हम तो यह बात कर रहे हैं कि जब आप जुड़े हैं तो मुस्लिम समाज जुड़ेगा, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि हम पैसे पहुंचा दिए, पैसे दे देंगे, आप उन सदस्यों के बारे में बताइए कहां हैं, क्योंकि हर पार्टी अध्यक्ष को आदमी से मतलब होता है, पैसों से नहीं। रही बात ये कि ऑडियो क्लिप को तोड़ मरोड़ कर जनता के बीच पेश किया जाता है, अगर आप 10 लाख रुपये बसपा में जमा कराते हैं, इसका साफ मतलब होता है कि बसपा सुप्रीमो यह समझती हैं कि आपने 2 लाख सदस्य बना दिए और 2 लाख व्यक्ति को बसपा में जोड़ दिया और खुश होकर वो आपको टिकट देते हैं। वो ये मान लेते हैं कि 2 लाख का जनाधार तो आपका अपना हो गया और बाकी बसपा कार्यकर्ता हो गए, दलित हो गए, और इस तरह से वो टिकट दे देती है और इस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ फ्रेम किया जाता है। ये हम समाज में भी घूम कर देखे और इन नेताओं की कार्यशैली देखा। रही बात ये कि जिन नेताओं के साथ कड़ी कार्रवाई कर देती है वो अनाप शनाप आरोप लगाते हैं, वो ये कहते हैं कि बसपा टूट रही है, मिट रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अब बहन मायावती हर सदस्य से मिलना चाहती है, परेड कराना चाहती है, देखना चाहती है और उन कार्यकर्ता को जो कि नए बने हैं उनसे बात भी करना चाहती है। वो ये भी जानना चाहती है कि आप बसपा से क्यों जुड़ रहे हैं, बसपा में आपने क्या देखा है, इस तरह की बातें हो रही है। रही बात ये कि जो इनके बीच के नेता हैं, जो नए नेता हैं, जो बसपा में आते हैं, यह सोचकर कुछ पैसे देकर और हम वहां से टिकट प्राप्त करेंगे, पैसा कैसा कि हम सदस्य बनाए हैं, 5-5 रुपये आम जनता से आए हैं, जबकि वो पैसा आम जनता से नहीं आता, वो उनके घर से आते हैं और जो उनको किताबें दी जाती है
उसको जला दिए जाते हैं, सदस्य नहीं बनाए जाते हैं। इस तरह का कार्यक्रम बसपा में है, और यह कार्यक्रम कोई पुराना कार्यकर्ता नहीं बल्कि नया नया जुड़ने वाला कार्यकर्ता करता है। कार्यकर्ता मत कहिए, उसको चुनाव लड़ने वाला नेता कहिए। और इन चीजों को मायावती अब पकड़ने लग गई है कि ये लोग आते हैं, पैसा देते हैं, हमें ये कहते हैं कि पैसे के हिसाब से 2 लाख सदस्य बना दिए, हम इस भुलावे में रह जाते हैं और हमारी पार्टी दिनों दिन खत्म होती जा रही है। और यही कहानी अब बसपा में निकल कर आई है। पिछले दिनों बहन मायावती ने कुछ नेताओं को निष्कासित किया। जब मायावती अपने नेताओं से पूछती है, हिसाब किताब मांगती है, तो नेता एक सेट थ्योरी के मुताबिक कह देते हैं मायावती को पैसे भिजवा दो, वो समझ जाएगी कि सदस्य बन रहे हैं। और यही हाल हुआ मेरठ में, जो सुनीता वर्मा वहां का मेयर हैं और योगेश वर्मा, इनको पार्टी से निकाला गया। और ये कहकर निकाला गया कि आप अपना प्रोग्रेस बताइए। प्रोग्रेस का मतलब कितना कार्यकर्ता नया बनाया, पुराना कार्यकर्ता को संतुष्ट किया या नहीं, लोगों के बीच आप जाते हैं कि नहीं। लेकिन ये सारी बातों को दबाकर और चाहते हैं बसपा कार्यालय को पैसा भेज दो और वह चुप हो जाएंगे। और बसपा कार्यालय भी पैसा देखते ही वो कैलकुलेट कर लेता है, हिसाब किताब कर लेता है कि 1 लाख रुपये आए, इसका मतलब 20,000 सदस्य बन गए। उनको क्या पता कि ये केवल पैसे आए हैं, सदस्य वदस्य नहीं बन रहे हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपको बिल्कुल सच्ची तस्वीरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।